साल 2019 की आखिरी शाम को औरत फाउंडेशन ने यादगार बना दिया। 2019 की आखिरी शाम औरत फाउंडेशन पेशावर की तहजीबों, सकाफतों और मज़हबों के नाम यादगार कर गई। 31 दिसंबर 2019 की आखिरी शाम को एक रोज़ा कल्चरल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में ख़वातीन, मर्द, ट्रांसजेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मुख्तलिफ एन जी ओज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात और अवामी नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये तकरीब इस हवाले से पेशावर में यादगार बन गई कि इसने आने वाले साल यानी 2020 को ये पैगाम दे दिया कि दुनिया चाहे कुछ भी सोचती रहे, यहाँ के बासी गंधारा तहजीब के बासी एक अरसे से यानी 5000 साल से इकट्ठे रहते आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ तहजीबें यहाँ पे परवान चढ़ती आ रही हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग यहाँ पे इकट्ठे प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ रह रहे हैं, और यहाँ जितने भी इन्वेडर्स आए यहाँ भी उन्होंने अपने नकूश छोड़े, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम इलाका, ये गंधारा सिविलाइजेशन, इसका मरकज़ जो हिंदुइज़्म का जन्म यहीं पे हुआ, बहुत कम लोग ये जानते कि हिंदुइज़्म का जन्म भी यहीं पर हुआ, बुद्धिज़्म यहीं परवान चढ़ी। गंधारा सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा नाम है और ये हमेशा से चलता रहा है, तहजीबों का मरकज़ रहा है। 5000 साल की तारीख यहाँ पे पड़ी हुई है। सिख बिरादरी का सकाफ़ती वरसा तकरीबन 90% यहाँ पर मौजूद है। इस एक रोज़ा वर्कशॉप में आर्कियोलॉजी के माहिरीन भी बुलाए गए और वुमेन एम्पावरमेंट के माहिरीन भी बुलाए गए, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ जो मसीही बिरादरी है उसकी भी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर रह रही है, और दुनिया में पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा चर्च जो हैं वो यहीं पे मौजूद हैं। इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से भी बात की गई कि ख़वातीन का इन तहजीबों के परवान चढ़ाने में, इन रिवायातों के परवान चढ़ाने में और इस लिटरेचर में इन ख़वातीन का हमेशा से एक कलीदी किरदार रहा है, और पेशावर हमेशा से एक मरकज़ रहा है। यहाँ पे हमेशा कानवाए आते रहे हैं, यहाँ पे जो हैं बड़ी बड़ी दास्तानें यहाँ पे जन्म हुई है। यहाँ हरी सिंह नलवा की बात की गई, जिनका कब्र जो है वो जमरुद में है, जमरुद फोर्ट में, जो सिख मज़हब के लिए एक मुकद्दस जगह की हैसियत रखता है। इस तरह बाकी तमाम मज़ाहिब बहाई मज़हब के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये पेशावर जो एक वॉल्ड सिटी रहा है और गंधारा तहजीब, इस पे रोशनी डाली गई। इसमें सवाल जवाब का भी ज़बरदस्त एक सिलसिला हुआ, जिसमें एक्सपर्ट से हाजरीन ने सवालात पूछे और पेशावर की तहजीब के बारे में, गंधारा की तहजीब के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में और मुख्तलिफ इलाकों की तारीख के बारे में हाजरीन ने सवाल पूछे, जिनका तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। ये पहली नशिस्त जो ख़त्म हुई उसके बाद काने का वक्फा हुआ, और काने के वक्फे के बाद दूसरी नशिस्त का आगाज़ हुआ। दूसरी नशिस्त में भी माहिरीन ने ख़वातीन का तहजीबों के परवान चढ़ाने में जो ख़वातीन का कलीदी किरदार रहा है उस पे बहस हुई और काफ़ी तफसील में बताया गया। और इसके बाद मौसीकी, जिसमें दोबारा से लोगों का जोश व खरोश देखने के काबिल था, क्योंकि इसमें हर तबके और हर मज़हब और हर ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मौसीकारों ने गीत गा कर लोगों से ना सिर्फ दाद तहसीन वसूल की, बल्कि दिसंबर 2019 को अलविदा भी कहा, और इसके साथ साथ 2020 को ये पैगाम भी दिया कि हम इसी तरह अमन, मोहब्बत और भाईचारे के साथ हमेशा रहेंगे। और इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस की खसूसी बात ये थी कि इसका आगाज़ भी इस यूनिक अंदाज में हुआ कि हर मज़हब के बासियों ने यहाँ अपनी दुआएं पढ़ी, जिसमें आपस में प्यार और मोहब्बत के बढ़ने की दुआ, अपने वतन के फ़रोग़ की दुआ और मोहब्बत और भाईचारगी की ये फ़िज़ा कायम रहने की दुआ शामिल थी। और इस पूरी महफिल में जितने भी लोग शरीक थे वो खुद खुशगवार यादें लेकर यहाँ से गए। किसी ने फूल एक दूसरे को पेश किए, किसी ने नए साल की मुबारकबाद दी, किसी का सालगिरह का केक काटा गया, बच्चों ने भी काफ़ी खुशियाँ मनाई, लोगों ने गीत गाए, हाजरीन ने भी गीत गाने में अपना हिस्सा डाला, और केक
کو جو برتھ ڈے کا کیک تھے وہ تقسیم ہوئے اور اس پہ بھی لوگوں نے ایک دوسرے کو کافی مبارکباد دی. یوں خوشگوار یادیں لیے ہوئے بہت سارے پشاور کے باسی مختلف مذاہب مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات یہاں سے شام کے وقت رخصت ہوئے اور یہ عزم لے کر چلے کہ اس گندارا سویلائزیشن کو، اس بھائی چارے کی فضا کو اور اس پشاور کو، اس تہذیبوں کے مرکز کو، اس مذاہب کے مرکز کو ہم نے اسی طرح قائم دائم رکھنا ہے اور اس کے فروغ کے لیے مزید اس طرح کی کوششیں کرنی ہے، ایسے فنکشنز کا انعقاد کرنا ہے اور ایسے قدم اٹھانے ہیں تاکہ محبت، بھائی چارے اور انٹر فیتھ یونٹی کی یہ فضا ہمیشہ برقرار رہے اور ہمیشہ یہاں کے باسیوں کا اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور رابطوں کا سلسلہ چلتا رہے. چینل 9 سے ڈائریکٹر شکریہ، فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اکٹھے ہونے کا، ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جاننے کا. وقتاً فوقتاً ان کے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں تو مختلف تہواروں کی، مختلف مذاہب کی ہم تاریخ کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، عقائد کے بارے میں زیادہ جاننے کا موقع ملتا ہے. اور آج صبح سے جو بات ہو رہی تھی، جیسے جاننے کا موقع ملا کہ ہمارے جو خاص کر یہ جو سرزمین ہے اس کی اتنی رچ ہسٹری ہے ہزاروں سال کی، کہ یہاں پر مختلف عقائد اور جو ثقافت